कोरोना टीकाकरण में रामगढ़ पूरे झारखंड में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। रामगढ़ के अधिकारी कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में दिन रात मेहनत की है। कोरोना टीकाकरण अभियान में सफल होने के लिए रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा को सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। अभी मेरे साथ मौजूद है रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा। हम उनसे जानेंगे कि कोरोना टीकाकरण अभियान सफल बनाने में कितना मेहनत लगा मैम। कोरोना टीकाकरण का अभियान जब से चालू हुआ तब से रामगढ़ जिला प्रशासन ने इसके लिए पूरा टीम बना करके प्रखंड वाइज टीकाकरण अभियान को लगातार मॉनिटरिंग किया है, और इसके साथ ही हमारे यहाँ पर एक डेडिकेटेड कोविड सेल भी बनाया गया जो लगातार जो भी व्यक्ति पहला डोज ले लिया है अगर वो दूसरा डोज नहीं लेने आ रहे हैं तो उनको लगातार फ़ोन करके मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने जो दूरस्थ एरियाज थे उनके लिए ख़ास तौर से मोबाइल यूनिट बनाया और डेडिकेटेड टीम्स बनाए ताकि वहाँ से लोग अगर जो वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वो आकर के उनको आने की आवश्यकता नहीं हो और हमारी टीम वहाँ जा करके उनको वैक्सीनेट कर सके। हम लोगों ने लगातार कोशिश ये भी करी है कि वैक्सीन की उपलब्धता पर कोई दिक्कत नहीं आए, जहाँ पर भी लोग इच्छुक हैं वहाँ पर हमारे बस वैक्सीन लगातार उपलब्ध रहे। अभी जैसे आप जान रहे हैं कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी चालू है तो हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम है जितने भी कैंप्स लग रहे हैं पंचायतों में वहाँ भी ये सुनिश्चित किया है कि हर कैंप में हमारा एक स्टॉल वैक्सीनेशन का हो और लोगों को ना सिर्फ वहाँ पर टीका दिया जाए बल्कि लोगों को प्रचार प्रसार भी किया जाए कि जिन्होंने भी अभी तक कोविड का टीका नहीं लिया है या उन्होंने केवल पहला डोज लेकर के छोड़ दिया है और दूसरा डोज नहीं लिया है तो वो लोगों को जागरूक करके हम लोग वैक्सीनेट कर सकें। मैम, तीसरी लहर को लेकर रामगढ़ कितना तैयार है? देखिए, तीसरी लहर को लेकर के अभी हम लोग के पास कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, बट हम लोग राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो उनके स्वास्थ्य मंत्रालयों के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं लगातार हम लोग उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी पूरी तैयारियों पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे ज़िले में आप जान रहे हैं कि सदर अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में 2 PSA प्लांट ऑपरेट हो चुके हैं। इसके अलावा CCL के में भी एक PSA प्लांट ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेट हो चुका है। टाटा हॉस्पिटल का PSA प्लांट भी ऑपरेटिव है। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑक्सीजन की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। लोगों को जागरूक करने के लिए ज़िला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। नया वेरिएंट को देखते हुए हम लोगों ने हमारे टेस्टिंग पर अगेन दोबारा से फोकस बढ़ा दिया है और हर जगह पर स्पेशली जो आने जाने वाले मूवमेंट वाली जगह हैं उन पर लगातार हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति जिनके अंदर ज़रा सा भी सिम्टम है कोई भी लक्षण है तो उनको ख़ासतौर से हम लोग निगरानी में रख रहे हैं। रामगढ़ ज़िला प्रशासन पूरी तरीके से सक्षम है अगर ऐसा कोई संकट आता है, पर हम लोग पूरा प्रयास यही कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी जनसंख्या है उसको हम लोग 100% तरीके से वैक्सीनेट कर दें ताकि किसी के ऊपर भी कोरोना का दोबारा से कोई संकट नहीं आए।